दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियो साइट से रिलेटेड और भी चाहिए, बेल का आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट और साइट के इसी तरह के वीडियो जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं वो आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है स्टील। वो कितना लगता है, किस तरह से लगता है, उसका क्या यूज है, वो आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हर एक कंपोनेंट के पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जहां जहां पर स्टील का प्रॉपर यूज किया जाता है और जहां पर एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के साइट विजिट में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पार्ट की स्टील की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो गाइस इस तरह से जो हमारे स्टील मंगवाया जाता है साइट में, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है कि कितना स्टील मंगवाना है, अगर जो हमारे इतने बंचेस ऑफ बंडल्स ऑफ स्टील मंगवाना है, अब इसका करेंगे क्या, इसका क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। कंप्लीट स्टील से रिलेटेड डिटेल गाइस आपको हर एक पार्ट के बारे में पता चलने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको हर एक पार्ट का प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि कहां कहां स्टील यूज होता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो आइए जब ये हमारे साइट पर आ जाती है, नेक्स्ट काम आता है हमारा जो ड्राइंग्स को हमको रीड आउट करना रहता है। ड्राइंग को रीड करके कैसे इनको कटवाना है, इसकी कटिंग प्रोसेस किस तरह से होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही एक बार आप ड्राइंग को प्रॉपरली रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको करवाना होता है वो है कटिंग। बार्स को कटिंग करवाना पड़ता है इस पर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फुटिंग के लिए मैश बन रही है और यहां पर स्टिरस बन रही है, कॉलम के लिए हर एक तरह की यहां पर कॉलम्स की बार्स भी रखी गई हैं। इनको प्रॉपरली ड्राइंग के शेड्यूल के हिसाब से कटवाना, समझना कि कटिंग लेंथ क्या होने वाली है, उसको किस तरह से कटवाना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं कि इसको कटिंग करवाने के बाद अब आता है इसका फ्रेम बनाना, जिसको हम कहते हैं जाली। तो गाइस जैसे ही हमारी बार्स अकॉर्डिंग टू द साइज कट जाती है, नेक्स्ट पार्ट आता है उसकी मैश को बनाना, उसकी मैश को बाइंड करना। वो इनसाइड भी हो सकता है या फिर हम बाहर भी ऐसे इस तरह से मैश बांध कर हम साइड पर ले जाते हैं। मोस्टली गाइस स्लैब और बीम के जो केस है जब हम बात करते हैं तो वो इनसाइड जब जहां हमारा स्ट्रक्चर है वहीं पर ही बनता है, और फुटिंग और कॉलम की जो मैश होती है जो बार्स हमें बनानी होती है फ्रेम के साथ, वो हम अलग से भी बाहर बनाकर उसको साइड पर लेकर जा सकते हैं। तो गाइस अब हम जानते हैं कि बीबीएस जो बार बेंडिंग शेड्यूल का पार्ट है, कंप्लीटली स्टील का पार्ट, ये आपको जानना और सीखना क्यों जरूरी है, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी रेनफोर्समेंट बार पीछे रखी, कंप्लीट टोटल वेस्टेज है हमारे लिए साइट में, जो कि हमको उसी तरह से अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के कॉस्ट को। अगर आप एक अच्छे और शानदार सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं गाइस, तो ये वेस्टेज आपको जरूर रोकना है। और इस वेस्टेज को रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आप बीबीएस बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपका ये जो वेस्टेज है ये आप ह्यूज अमाउंट पे बचा सकते हैं, ताकि आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट में डिक्रीमेंट आए। क्योंकि अगर आप अपने कंपनी की ग्रोथ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है गाइस, तभी आपकी सक्सेस वहां पर आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में क्या क्या सारी चीजें लगती हैं बार बेंडिंग शेड्यूल में। हम चलते हैं सीधा साइट के अंदर और अलग अलग बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले आरसीसी के पार्ट पर, जो कि हमारा फुटिंग का पार्ट। हम आ गए हैं एक्सकेवेशन के अंदर। तो यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये हमारा पहला आरसीसी का कंपोनेंट जो लगता है हमारा फुटिंग। यहां पर आप देख पा रहे हैं फुटिंग मैश, ये अलग अलग तरह के, सिंगल फ्रेम भी, सिंगल मैश भी आता है, डबल मैश भी आता है। यहाँ पर डबल मैश का है जो हम पढ़ने वाले प्रोजेक्ट में, सिंगल मैश डबल मैश सारी चीज के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला आरसीसी कंपोनेंट है। यहाँ पर जो हमारी बार्स लगती हैं ये डिपेंड करती है हमारे ड्राइंग्स पर, जो हमारी बार्स दी गई है उसके हिसाब से हमें पूरा कट करवाना है जैसे कि आपने देखा, और उसके साथ इसको यहाँ पर हमको मैच बना के लगवाना होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आरसीसी कंपोनेंट है वो हमारा कॉलम। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली फुटिंग की जो हमारी मैश है उसमें हमारा कॉलम का फ्रेम लगा हुआ है। इस तरह से कॉलम का जो फ्रेम है ये प्रॉपरली टाइट है
हमारे फुटिंग के मैश पर, क्लियर है। इसके वजह से ये हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है ये कॉलम ऊपर चलते जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जब मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट बार्स की कटिंग हुई है, क्लियर है गाइस। यहाँ पर ऑल्टरनेट बार कटिंग से ये ऑल्टरनेट बार क्यों कट होते हैं, क्या इसका रीजन है, क्या इसका पर्पस होता है, और ये बार्स कहाँ तक आनी चाहिए, इस ये जो रेनफोर्समेंट है इसकी कटिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जिस टाइप का स्टीरअप लगा हुआ है, यहाँ पर फोर लेग स्टीरअप लगा हुआ है, तो फोर लेग स्टीरअप क्या होता है, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये हमारा पहला हो गया फुटिंग, या हमारा अगला हो गया कॉलम। आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि फुटिंग और कॉलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो वहां पर रेनफोर्समेंट किस तरह से लगती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कॉलम के बाद, हुआ है गाइज बीम। बीम के केस से जो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चालू होते हैं कॉलम के साथ साथ भी, कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, लैप लेंथ क्या होती है, बेंड क्या होता है, बेंड डिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजों को पढ़ना, इन सारी चीजों के टर्म्स को समझना उतना ही अच्छे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट आरसीसी पार्ट आता है वो आता है हमारा बीम। बीम का जो आप फ्रेम देख सकते हैं, इसमें प्रॉपरली यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ दी गई है जो कॉलम के अंदर पुट ऑन हुआ है प्रॉपरली डेवलपमेंट लेंथ के साथ। नेक्स्ट पार्ट आता है कि लैप कहाँ पर हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपिंग जोन, जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीम के पार्ट में लैपिंग जोन कहाँ आता है, कौन कौन सी बार्स होती हैं, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप मेन बार, बॉटम मेन बार, लैप कौन से जोन पर आता है, कहां से कहां लैप दिया जाता है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप जानते हैं कंप्लीटली सिविल गुरुजी के साथ। किस तरह से बीम के फ्रेम को कटिंग लेंथ निकाला जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है, लैप लेंथ कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। हमने पढ़ लिया अभी तक फुटिंग, फुटिंग के मैच के बाद हमने देखा कॉलम का फ्रेम किस तरह से लगा हुआ है। कॉलम का फ्रेम कास्ट होने के बाद जब ऊपर आता है तो वहां पर ग्राउंड बीम या तो प्लिंथ बीम के तौर पर इस तरह की बीम लगते हैं। इसके बाद ऊपर चलते चलते जब हम बात करते हैं प्रॉपरली तो वहां पर आता है हमारा स्लैब बीम। स्लैब बीम के बाद गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लैब, स्लैब का रेनफोर्समेंट को समझना और उसके बारे में पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीम के बाद हमारा नया और अगला पार्ट आता है वो है स्टेयर केस। स्टेयर केस देखिए गाइस आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट है। तो गाइस जब स्टेयर की बात करते हैं तो यहां पर भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारा रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल होता है। स्टेयर को किस तरह से बांधा जाता है, इसके अलग अलग पैटर्न है, मेन बार कौन सा होता है, टॉप बार कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है, ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली नॉलेज लेना, इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना क्योंकि ये अलग तरह से बनती है हमारी स्टेयर्स, तो इसकी कटिंग लेंथ को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी स्ट्रक्चर के साथ जो हम अगला पार्ट आता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट, वो स्लैब जो कि हम जानने वाले हैं आगे चल के। स्टेयर्स के साथ साथ जो हमारा कास्टिंग है वो एक साथ होती है स्लैब के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्टेयर जाके मिली है स्लैब पर और इन दोनों की कास्टिंग के वक्त एक साथ इसकी कास्टिंग होगी। तो आइए थोड़े से कुछ डिटेल्स जानते हैं स्लैब के बारे में। तो गाइस जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेकंड लास्ट पार्ट आता है वो है स्लैब। स्लैब की गाइस बहुत लंबी कहानी है, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, क्रैंक बार क्या होता है, उसे कैसे देते हैं, उसकी कटिंग लेंथ क्या आने वाली है, सबसे पहली बार कौन सी लगती है स्लैब में, क्यों दिया जाता है क्रैंक, इस जगह से ही क्यों हो रही है बार, ये ऑल्टरनेट क्रैंक क्यों दे रहे हैं, इस पे टॉप एक्स्ट्रा का क्या काम होता है, आप यहाँ पर चेयर देख सकते हैं, चेयर क्यों इस्तेमाल होती है, इसकी मिनिमम लेंथ क्या होती है, इस चेयर की मिनिमम कटिंग लेंथ क्या होती है, इन सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ हम कंप्लीटली डील करते हैं प्रॉपरली रियल साइट एग्जीक्यूशन वर्क के साथ ही, कैसे इन पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स में जो स्टील लगने वाला है उस स्टील को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपरली पूरे प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट करने वाले हैं हम कि उसका जो स्टील का कंजम्पशन है वो कितना होने वाला है, क्योंकि गाइस हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जब हम स्टील की बात करते हैं तो वहां पर हमारे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm अलग अलग डाय के बार्स आते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट इस तरह से नहीं करना है कि टोटल स्टील कितना यूज होने वाला है, आपको इस तरह सॉल्व आउट करना है कि हर एक डाय के बार कितने लगने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट में। इन सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ आपको पूरे प्रोजेक्ट सॉल्व आउट करना आना चाहिए, पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का लोहा निकालना आना चाहिए आपको, एक स्पेसिफिक थंब रूल गाइस, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इसका बहुत अच्छा एक्सेल भी बना सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आपको कहा जाए कि इसका पूरा प्रॉपर जो आपको बीबीएस बनाना है आप अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे, कैलकुलेशन सीखना जरूरी है लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। लेकिन जब आप एक बेसिक से ऊपर बढ़ जाते हैं, पहला पार्ट है बेसिक कैलकुलेशन सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो चीजें आती हैं तो आपको एग्जीक्यूशन, यहां पर जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, उसके
बात आता है आपको एडवांस, अगर आपको प्रॉपर स्किलफुल बनना है इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो उसका एक्सेल पार्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सिर्फ फॉर्मूला ऐसा बनाए कि हम सारा पूरे प्रोजेक्ट का बीबीएस एक बार में कैलकुलेट कर सके, उसकी क्वांटिटी पूरी एक बार में निकाल पाए। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है और समझनी है तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप आगे पढ़ सकते हैं, डिटेल्स समझ सकते हैं, जान सकते हैं एक एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेंट के बारे में। तो ये डिटेल है हमारे स्लैब का, यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपरली वन वे स्लैब भी यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं वन वे स्लैब है, ये हमारा टू वे स्लैब है। गाइस संकन स्लैब क्या होता है, संकन स्लैब भी आता है, इसके सारे डिटेल्स के बारे में आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि आती है हमारी ओवरहेड वाटर टैंक। जैसे कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर बना हुआ है, एकदम सिंपल बीबीएस होता है ओवरहेड वाटर टैंक का। स्ट्रेट बार लगती है और उसको सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है। ये जो कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात किया प्रॉपरली, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्टेयर केस, स्लैब और हमारा ओवरहेड वाटर टैंक, ये पूरे एक प्रोजेक्ट का हमारा बीबीएस कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाएगा डिटेल पे, एक एक स्पेसिफिकेशन के साथ, प्रॉपरली ड्रॉइंग रीड करने के साथ। और इसी सारी चीजों को सीखने के लिए आपको जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आपको सिविल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है गाइस तो टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा।